ये घर एकदम टिपिकल आसाम स्टाइल घर। सो दिस इज हाउ माई स्किन इज लुकिंग आफ्टर स्किन केयर। गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल जे जे ब्लॉग्स। दिस इज मी जोया। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपने नानी के घर एंड वो एक नियर बाई विलेज ही है, तो चलिए चलते हैं। ओके गाइज, सो जाने से पहले लेट्स डू आवर स्किन केयर। सो मैंने अभी अभी अपना फेस को वॉश कर लिया है एंड इट्स क्लीन, तो अभी मैं अपना स्किन केयर करूँगी। सो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। सो सबसे फर्स्ट आई अप्लाई दिस विटामिन सी। विटामिन सी आपको अच्छा सा ग्लो देता है, इसलिए आई एम यूजिंग इट। लेट्स अप्लाई दिस। आई ओनली यूज 2 pumps। उसके बाद यू कैन सी मेरा इतना सारा डार्क सर्कल्स, मेरा इतना ज़्यादा है डार्क सर्कल्स। आई डोंट नो क्या लगाने से मेरा डार्क सर्कल्स जाएगा, बहुत परेशान है आने से। अगर आपके पास कुछ है सुझाव तो मुझे ज़रूर देना एंड प्लीज़ नो घरेलू नुस्खे। आई डोंट बिलीव इन घरेलू नुस्खे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वर्क नहीं करता है। तो इफ़ आपके पास लाइक कुछ क्रीम है, कुछ है एक्टिव्स वगैरह कुछ भी है जो लगाने से डार्क सर्कल कमेगा, देन प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉइस्चराइजर। सो आई यूज दिस मॉइस्चराइजर। अगर आपको मेरा स्किन केयर पूरा फुल चाहिए तो मैं आपको उसको एक सेपरेट वीडियो बना के शेयर करूंगी। फॉर नाउ ऐसा है मेरा मॉइस्चराइजर, कुछ ऐसा दिखता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज सनस्क्रीन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बीच में मैंने क्या किया था, हमारा जब डाइट वीक चल रहा था तो मैंने बहुत दिन सनस्क्रीन स्किप किया था एंड इतना टैन हो गया था, मेरा इतना टैन हो गया था। आप अगर मेरा लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको दिखाई देगा मेरा फेस भी इतना टैंड, बट अभी मैं पूरा अच्छे से यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन। इसलिए ऑलवेज 3 fingers। ये वाला सनस्क्रीन है ना, लगाने से बहुत एक कूल वाला होता है फेस में, कुछ एक कूल कुछ लगा दिया जैसा फील, बहुत ठंडा सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। इट्स नॉट टू मच गाइस, इट्स ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दिस इज हाउ माई स्किन इज लुकिंग आफ्टर स्किन केयर। देखिए इतना सारा एक्ने निकल गया है, पता नहीं विटामिन सी के वजह से है ना क्या से है, बट लुक हाउ ग्लोई इट लुक्स, इतना ग्लो लग रहा है। माई ब्रो ऑलवेज ऑन फोन। ये देखिए विलेज का रास्ता ऐसा होता है, यहाँ में ऐसा है, यहाँ में बेड़ा भी आदमी लोग ऐसे छोटा छोटा लगाते हैं, ऐसा कुछ बड़ा से नहीं करते हैं। तो चलिए आ गया है हम लोग का डेस्टिनी। आज आपको मैं दिखाती हूँ असम स्टाइल हाउस। ये देखिए यह दरवाज़ा मेन गेट, अभी इसको नहीं बनाया अच्छे से। यह है घर एकदम टिपिकल आसाम स्टाइल घर। लेट्स गो इनसाइड। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा होता है अंदर का नज़ारा। ये है एंट्री पॉइंट एंड ये है छोटा सा वरंडा।
उसके बाद यहाँ में है एक रूम, तो ये है ऐसे कॉमन रूम है एक, एंड यहाँ पे है एक बेडरूम, बेडरूम है एक बेड भी रखा हुआ है ऐसे ऐसा है, एंड यहाँ पे फिर एक डोर है तो आप यहाँ से भी निकल सकते हो और उसको बंद करने से आपका हो जाएगा, कॉमन रूम से बंद हो जाएगा एंड आपका प्राइवेसी मिल जाएगा आपको। देन यहाँ पे निकल के एक थोड़ा सा स्पेस है, ये क्या है पता नहीं मुझे फिलहाल, एंड यहाँ से कॉरिडोर जाते हुए देन ये है किचन, तो किचन का भी डोर है, देन बहुत ही सिंपल से बनाया है इसको, सिंपल हाउस है, बहुत सिंपल से बनाया है। ये है वॉश बेसिन एंड ये है किचन स्पेस, आई थिंक टाइल्स को थोड़ा और ऊपर तक लगाने से बेटर होगा, एंड ये ऐसा है। दरवाजे से दिखाती हूँ मैं आपको, किचन ऐसा कुछ दिखता है, वो सब है छोटा छोटा वेंटिलेशन, एंड फिर किचन के ऑपोजिट यहाँ में और एक रूम है, ये रूम बड़ा है थोड़ा सा, देन फिर ये रूम के अंदर भी आपको हर रूम में एक्स्ट्रा दरवाज़ा है, ये एक्स्ट्रा दरवाज़ा है, देन यहाँ पे स्पेस है, फिर वहाँ से भी आप आ सकते हो, यहाँ से भी स्पेस है, फिर कॉरिडोर यहाँ से जाता है, आप यहाँ से भी निकल सकते हो। देन तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, अभी ये ऑन प्रोसेस से बन रहा है अभी तक, तो यहाँ से दूसरा का घर है, दैट्स इट। मौसा जी बता रहे किचन है बोल के, किचन भी बहुत अच्छे से बना है, टाइल्स ना, टाइल्स और थोड़ा लगा देने से अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा कि सब्जी और जी पूरा यहाँ तक टाइल्स हो जाने से ऊपर तक अच्छा होगा। ओके दैट्स इट, सो ये था मेरा होम टूर, आसाम स्टाइल होम टूर। यहाँ में भी एक भगवान का रूम है, मैंने आप सबको दिखाने भूल गई, भगवान के लिए भी एक रूम रखा है, भगवान का रूम पूरा वाइट है, पूरा घर भी वाइट होने से और ज़्यादा फ्रेश लगना था, बट अच्छा लग रहा है। सो ये था मेरा होम टूर, तो ये मेरा मौसी का घर है, घर बनाया है तो उसी को मैं दिखा रही हूँ, सिंपल आसाम स्टाइल घर जोनाई में, मतलब आसाम में कैसा घर होता है, मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी देखें, जो नॉर्थ ईस्ट से हैं या फिर जो आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट से हैं तो वो भी देखें कि आखिर असम का घर स्टाइल कैसा होता है, तो बिल्कुल ऐसा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बैक पुराना वाला घर में, नानी का घर, ये पास में ही है घर के, ये भी